what are you doing in new night suit? ये किसने मंगवाया आपका नाइट सूट? मम्मा ने कि डैडा ने? डैडा ने तो नहीं मंगवाया, मम्मा ने मंगवाया। किसने मंगवाया? कू कू क्या कर रही है? अपना मिल्क प्रिपेयर कर रही है। कू आप क्या कर रहे हो? अपना मिल्क प्रिपेयर कर रहे हो दोनों दोनों स्पून से? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कू हाय कू, हेलो। अरे 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 अरे, अच्छा स्पून से हिला दो अपने मिल्क को। स्पून से हिला रही हो क्या आप मिल्क को? हाँ मिल्क को हिलाना है। नो 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 नो, नहीं हिलाना है, अभी नहीं हिलाना है। अभी ये देखो, इसे स्पून से हिला देते हैं मिल्क को, है ना? डांसिंग डांसिंग कुकू, डांसिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। ओह योर मिल्क इज बॉइलिंग। स्पून गरम हो गई यार, कीवी। रेन गो अवे, कम अगेन अनादर डे। हाय हाय हाय, हेलो। डांसिंग डांसिंग करते करते आपका मिल्क बन गया है। चलो हो रही है बहुत अच्छी बारिश और बना रहे हैं पालक के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो एक क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें खास टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप कोई भी तरह के पकोड़े बनाओगे तो वो टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उससे बहुत क्रिस्पनेस आती है पकौड़ों के अंदर। हाँ आपको थोड़ा सा मैस दिख रहा है जो कि मल्टीपल काम करते हैं ना तो ये थोड़ा सा मैस हो जाता है, फिर इसे बहुत तो अच्छे से हम क्लीन भी कर लेते हैं। मैं एक बॉल में डाल रही हूँ चॉप किया हुआ पालक, फिर उसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे बेसन। इसके बाद इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड किया है एज पर टेस्ट, और थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया है। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हमें इसका बैटर बनाकर प्रिपेयर करना है इसका। अब जो खास टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो है, आपको इसमें गर्मा गर्म 2 चम्मच ऑयल डालना है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था तो वो ऑयल में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे, देन निकालने के लिए रेडी हैं। तो हम फटाफट से, तेल हमारा गर्म है सो बस इस तरह से पकौड़े निकाल लेंगे। तो ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। सो गर्मा गर्म बारिश के मौसम में इस तरह से पालक के या लच्छे वाले प्याज के और क्रिस्प आलू के पकोड़े आप एंजॉय कर सकते हो सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, एंड इसके साथ चाय। चाय के बिना तो पकोड़े बिल्कुल अधूरे हैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म एंड कड़क चाय भी रेडी है।
व्हाट दादी इज डूइंग। दादी क्या कर रहे हो आप? गुड़िया बना रहे हो? ये देखो दादी ना मेरे वेस्टेज ब्लाउज गुड़िया बना रही है कीवी के लिए। ये वेस्टेज क्लॉथ है और उससे दादी बना रही है कीवी के लिए प्यारी प्यारी गुड़िया। कीवी आप खेलोगी गुड़िया से? देखो दादी को है ना बहुत टाइम से लग रही थी कीवी के लिए गुड़िया बनाओ गुड़िया बनाओ। तो ये देखो ये दादी ने इसका ना फेस तो कंप्लीट कर लिया है। दादी फेस बना लिया कि गोला गोला क्या बना? गोला फेस है। अच्छा ये फेस है? ओ वाह फेस है। कीवी बनाएगी कीवी का फेस है। ओ कीवी आपका देखो आप रोई रोई नहीं कर कीवी रोई रोई कर रही है। कीवी रोई रोई नहीं करते राजा। आपने अपना फूड फिनिश किया? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो सबको बताओ। अरे दिन भर रोई रोई नहीं करते राजा। सबको बताओ आपने अपना फूड फिनिश कर लिया? क्या खाया आपने? क्रीम खाया? क्रीम? ये देखो क्रीम लग रहा है कीवी के फेस पे। ऐसे खाती है कीवी? किसे खाती है? किसे खाती है? कहाँ जाना नीचे करना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेट 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 कीवी को नीचे उतरना है। अभी उतारेंगे अभी उतारेंगे जस्ट टू मिनट। हाँ आपको यहाँ बैठ के खाना अच्छा लगता है? यहाँ ही बैठ के खाना है। ये देखो मम्मी ने क्या बनाया आपके लिए? फ्रेश पनीर बनाया, घर पे बनाया है, आज ही बनाया। पनीर खाना आपको? देखो कितना सॉफ्ट है, नहीं खाना? तो अपनी क्रीम फिनिश करो फिर। देखो मम्मी ने आपके लिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बनाया। नो नहीं खाना? अच्छा ये खाना है, ये फिनिश करो। ये यहाँ ही बैठ के खाती है। ये देखो प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगता है आपको बैठ के खाना? यहाँ पे अच्छा लगता है? ये थोड़ा सा रह गया बेटा फिनिश कर दो इसको। हाँ फिर वेस्ट हो जाता है ना। हाँ नहीं करते खाना पड़ता है खाना पड़ता है। आ करो। ओ गया 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 बस जस्ट थोड़ा सा रह गया। ये देखो थोड़ा सा ही रह गया। फिनिश करो इसको फिनिश करो। क्या हो गया? नहीं खाना? ऐसा मुंह नहीं बनाते। लास्ट बाइट तो फिनिश करनी पड़ती है ना। नहीं खाना? पानी नहीं आया ना? आ गया। केम रखनी है? अभी नहीं रखी मैंने। वो देख दादी क्या बना रही है। गुड़िया का मुंह तो बन गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो देखो दादी कितनी अच्छी डॉल बना रही है आपके लिए। आप रोती रहती हो कीवी? दिन में रोने के अलावा ये देखो इतना बिखेरा करा है आपने। ये देखो ये सब मेस करा है, इसको कौन समेटेगा? तो ये देखो अदरक से भी इनको खेलना था। ये देखो जो मैंने ड्राई करने के लिए रखा था उससे भी इसको खेलना था। और खेलना तो कुछ नहीं, बस परेशान करना। कीवी असली वाला है नकली वाला है? ये नकली वाला असली वाला है? ओ बाबा ये देखो ये देखो ये देखो कितने नाटक करती है लड़की। देखो दादी ने कौन सी पुराने जमाने वाली वो कौन सी मूवी थी वैसा लग रहा है। ये कौन सी मूवी थी? वो अनिल कपूर की अच्छी सी मूवी थी ना जो बहुत बार वो डेली आती है वो मूवी। उसमें वो ऐसी गुड़िया है ना वो वैसी गुड़िया बना दी दादी ने। देख दादी ने दो दी इसके दो कान भी निकालेंगे आपके। ये दादी तो लेस भी लगाने वाली है। देखो उसके फ्रॉक में लेस भी लगवाएंगी। देखो दादी की खुशी देखो गुड़िया बनाने की। कितनी प्यारी डॉल बनाई कीवी आपके लिए डॉल बनाई है। और आप ये देखो इतना मैस करके सब फैला 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 करके गुस्सा कर रही है। क्या करोगे? क्यों इसको क्यों बंद करके रख देंगे? अरे सजाने के लिए थोड़ी खेलने के लिए बना रही हो ना दादी आप। दादी का चश्मा ले लिया ले लिया ले लिया। कीवी मौका देखती हो आप चौका मार देती हो। दादी के चश्मे के पीछे पड़ गई हो।
गिव इट टू दादी, कीवी गिव इट टू दादी, नो 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 गिव इट टू दादी, मेरे को दे दो। अच्छा मेरे को दे दो। सो आज हमने बनाया है ये काजू पालक पनीर, बहुत ही ज़्यादा यम और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है ये। आपने पालक पनीर तो बहुत खाई होगी, बट दिस इज़ काजू पालक पनीर, सो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। इफ़ यू वॉन्ट तो मैं रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ ब्लैक बीट फुलका, यस काले गेहूँ। अगर आपने सुना होगा काले गेहूँ के बारे में, नहीं सुना होगा तो वैसे मैं इस पर बहुत ही जल्दी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे काले गेहूँ होते हैं। सो ये उसकी का फुलका हमने बनाया है, जिसमें मैंने लॉट्स ऑफ बटर डाला है। सो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है।